हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियोनिक व्लॉग्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई एम प्रियंका। सो गाइस, काफ़ी दिनों से हम लोग इस चैनल पे कोई वीडियो व्लॉग वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम से एज सच मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं था आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। और सोचा है कि आज है सैटरडे 23rd of April आई गेस, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना व्लॉग किया जाए। जो भी आज मेरी छुट्टी है, जो भी मुझे मिले थोड़ा सा शूट करने के लिए वो मैं करूं। तो गाइस, अभी सुबह हो चुके हैं, हम उठ चुके हैं, लेट उठे हैं आज हम लोग, और मेरी और निक की जैसे कि छुट्टी है। और कुछ टाइम से बस यही हम लोगों का चल रहा है कि ऑफिस, काम, घर, तो इसी वजह से कोई स्पेशल चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए नहीं था मेरे पास में। और आज भी वैसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है गाइस, आज मैंने ऐसे ही रैंडमली वीडियो स्टार्ट करा है। और अभी बज रहे हैं 11 और घर की सफाई हो रही है, और आपको मैं रूम दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा रूम जो है ना, पूरे हफ्ते जैसे कि हम लोग नहीं रहते घर पे जब, तो थोड़ा थोड़ा करके गंदगी जो हो जाती है, कपड़े इधर उधर हो जाता है, तो वो सारा का सारा वो मैस हो जाता है। तो वो सब हम लोग छुट्टी वाले दिन सब कुछ मैं सफाई का काम करती हूँ। वो हम लोगों का रूम कुछ इस तरीके से हो रखा है, वहाँ कपड़े, यहाँ पर ऐसे ही हो गया है। और हाँ, साथ ही में लास्ट हफ्ते 1 वीक हो गए हैं ये एसी लगाए हुए, वो भी देख सकते हैं आप, जुगाड़ हो रखा है यहाँ पर एसी का। तो ये भी आज फ्रेम वगैरह जो है ना वो बनेगा, और ये सब भी आज काम करवाना है, ये सब भी आज काम होने वाला है। तो घर में जितने भी थोड़ा थोड़ा करके मुझे दिखेगा सफाई का काम, वो सब मैं आज ठीक करने वाली हूँ। पूरा घर बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है इस टाइम पर, तो थोड़ा थोड़ा करके वो सब चीज़ें आज ठीक करने का ही डे है स्पेशली। तो गाइस, अगर इस चैनल में आप न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, बने रहिए प्लीज़ आज के इस व्लॉग में। सो हम आज वीकेंड व्लॉग बना रहे हैं। इस इंसान का ना ये चैनल ही नहीं है, ये चैनल इसका है ही नहीं, ये नाम हट जाएगा, प्रियो निक का खाली प्रियो हो जाएगा, निक हट जाएगा। हेलो गाइस तो बोल दो। हेलो मम्मी, हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। सो मम्मी तैयार हो चुकी है, और मम्मी का ना आंखों में आज, आंखों के वजह से ये जा रही है शायद सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल, हाँ इनके ना आंखों में दिक्कत हो रही है, तो आई थिंक इनका चेकअप होने वाला है। चेकअप होने के साथ साथ इनके आंखों में इंजेक्शन भी लगने वाला है। ये रहा ऑस्कर, जैसा कि मैंने बोला था घर थोड़ा सा मैसी हो रखा है, ये सब कुछ आज ठीक करना है। आई थिंक ये भी आज धो देंगे हम लोग, ये भी सब गंदा गंदा हो रखा है। सो सफाई करते करते बचने वाले हैं 1:15, अभी भी सफाई कंप्लीट नहीं हुई है। पूरा घर इस तरीके से फैला पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को मुझे ठीक करना है। और बहुत सारे कपड़े भी जमा हो गए हैं, पूरे हफ्ते के कपड़े और बेडशीट कवर और ये सब कुछ धोना भी है, तो बहुत सारा काम है गाइस। और काम करते करते बीच में मैं भूल ही गई कि मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था, तो सोचा मैंने अभी शूट कर लूँ। और साथ ही साथ मैं ना खाना बना लूँगी, खाने में कुछ ना कुछ लाइट खाना मैं सोच रही हूँ, दाल चावल आलू का चोखा टाइप कुछ इस तरीके से बनाया जाए। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज। मैं चाह रही हूँ ना कि मतलब 90% काम ना हो जाए जल्दी से, जो जो आज का है हम लोगों का काम, ताकि ना थोड़ा, कल संडे है और कल थोड़ा सा फ्री मिले, ताकि कोई और भी प्लान हम लोग कर पाए कुछ और भी। तो देखते हैं गाइस, मैं तो लगी हुई हूँ काम में, आप भी प्लीज व्लॉग में बने रहिए। तो हमारे पास गाइस यहाँ पर आई हुई हैं अमृतसर से बुआ, तो आप मिल सकते हैं बुआ से। और सुबह सफाई के साथ साथ यहाँ पर हम बना चुके हैं, ये है दाल और यहाँ पर है चावल, चावल दिखा देते हैं आपको, ये रहा। अभी मेरे खाने के लिए बन रहा है यहाँ पर सैंडविच, और हम दोनों मिलके अभी पीने वाले हैं, ये रहा चाय, एक और सैंडविच यहाँ बन चुका है। और यहाँ पर आलू बॉयल किए हुए हैं, आलू का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, इसका हम बनाने वाले चोखा। और यहाँ पर टमाटर भी हो चुके हैं, इनको हमने गैस पे भून लिया है, अभी इसकी बनेगी चटनी।
सो गाइज, नीचे का करने के बाद प्लस किचन का सारा काम करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। अब मुझे थोड़े से अपने कपड़े जो है हफ्ते भर के वो साफ करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सारे मेकअप ब्रशेस आज मैं इनकी भी सफाई करने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सुबह अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यहाँ पर धोने के लिए रखा हुआ है। ब्यूटी ब्लेंडर को धोने के लिए मैंने पानी में ना ये अपना जो फेस वॉश है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, ग्लेयर एक्ने फेस वॉश, ये मैं यूज़ करती हूँ रोज़, तो ये मैंने पानी में ऐड कर रखा है। और आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर का भी हाल कुछ इस तरीके से है। इसके बाद मैं ये मेकअप ब्रशेस भी इसमें ही डिप कर दूँगी। ऐसा मैं करूँगी 2 से 3 बार ताकि अच्छे से ना साफ हो जाए। बहुत ज़्यादा गंदगी ये निकल रहा है। ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड। दिखा लिया मम्मी को, क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला मम्मी डॉक्टर ने? लो अंडा ले लो तुम। अंडा तुम्हारे अंडा। मम्मी मम्मी पकड़ो पकड़ो। तो खाना सब कुछ बन चुका था और फाइनली बाद में पता चल रहा है कि दाल में हमने तड़का नहीं लगाया था। और दाल में तड़का लगा रहे हैं हमारे स्पेशल शेफ, देख सकते हैं आप। घर भर के घी डाला जाता है दाल में तड़का लगाने के लिए। गाइस, आज का ये स्पेशल लंच, यहाँ है अंडे का ऑमलेट, आलू का चोखा, टमाटर की चटनी, दाल, चावल एंड रोटी। सो गाइज, यहाँ रूम तो ठीक हो चुका है बट ये सारे जो पहले के धुले हुए कपड़े थे ये सारा फोल्ड करके मुझे रखना है अलमारी में, निक की अलमारी का स्पेस। तो आप देख सकते हैं उसकी अलमारी के स्पेस का ये हालत है। हमेशा 2-3 दिन बाद मैं इसको ठीक करती हूँ और दोबारा से ये ऐसे हो जाता है। तो अब मैं जल्दी से अलमारी ठीक कर लूँगी। साथ ही साथ जो मैंने अपने ब्रशेज और ब्यूटी ब्लेंडर को धोने के लिए रखा था, काफ़ी हद तक वो साफ हो रहे हैं। अभी इसमें और भी लेयर बचा हुआ है, ये 2 से 3 बार इसको वॉश करना पड़ेगा सेम इसी प्रोसेस पे। हालांकि अभी ना समर्स आ चुके हैं और मैं कोई डेली बेसिस मेकअप नहीं लगाती, लाइक फाउंडेशन एंड ऑल ये सब मैं यूज़ नहीं करती। सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। और शॉर्ट वीडियो में मैंने अपना सनस्क्रीन भी शेयर कर रखा है गाइस। बेस्ट सनस्क्रीन है जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ ऑल स्किन टाइप्स, वो सनस्क्रीन आता है, आप चेक कर सकते हैं। रेव को दिखा देती हूँ ये क्या है, देखिए रेवीला लाइट सनस्क्रीन, ये वो सनस्क्रीन है जो मैं आज की डेट में यूज़ कर रही हूँ और मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत सही लगता है ये वाला सनस्क्रीन, SPF 50 के साथ में PA 4x+ है इसमें। और ये टिंटेड है, मतलब लाइक ये थोड़ा सा जब आप फेस पे लगाते हैं तो थोड़ा बहुत आपका फेस में वही फाउंडेशन वाला काम भी करता है। तो बेस्ट सनस्क्रीन है, प्लस आपको हल्का फुल्का इसमें मेकअप भी मिल जाता है, फाउंडेशन बेस है ये। इस वजह से जैसा कि आपको पता है समर में सनस्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्किन केयर में। ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रखी है। इवन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए हमें अगर घर पे हैं हम लोग तो, जैसे किचन का काम करते हैं या जैसा जो मौसम अभी हो रहा है, आप घर पे भी सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं एंड मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा सा अब रेस्ट करने वाली हूँ। डिनर की तैयारी होने वाली है, 8 बजने वाले हैं। व्लॉग को यहाँ पर मैं एंड कर भी सकती हूँ, लेट्स सी, देखते हैं। और कुछ अब बस हम लोग डिनर की तैयारी करने वाले हैं और आज का दिन इसी तरीके से फिर ख़त्म होता है गाइज। सो गाइज, अब बारी है व्लॉग को एंड करने की। घर में रहने के बावजूद आज घर में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट आज ही के डेट में ना
अपना सारा काम इतना निपटा लिया है कि अब मैं कल फ्री रहने वाली हूँ। तो गाइज कोशिश रहेगी कि कल अगर कुछ मेरे पास कुछ अच्छा आप लोगों के साथ में शेयर करने का रहे तो मैं ज़रूर ब्लॉग करूँगी। तो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन गाइज टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड नाइट, बाय बाय।